अगली खबर मुरादाबाद से आ रही है, जहां कटकर थाना क्षेत्र में बुधवार रात पारिवारिक रंजिश में कारपेंटर को उसके दो सालों ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर गोली मार दी। जी हां, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। आनंद फानंद में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना पर एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। शहर के करूला निवासी नाजिम कारपेंटर का काम करता है। पिछले काफी समय से उसका पत्नी से विवाद चल रहा है, जिस कारण वो इन दिनों अपने मायके में रह रही है। जी हां, नाजिम के मुताबिक वो किसी काम से बरेली गया था और रात घर लौटा था, तभी भूरा और कल्लू अपने साथ शाहनवाज को साथ लेकर आए और मुझ पर हमला कर दिया। गोली की आवाज सुनकर आस पड़ोसी और परिवार वाले बाहर आए, तब तक तीनों फरार हो चुके थे। आनंद फानंद में उसे अस्पताल लाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जी, क्या हुआ था पूरा मामला? मैं घर पे बैठा था, वहाँ पे मैंने अपने कंधे बिछाया तो पीछे से ऊपर से जो है नी जो छत है हमारी, उधर से तीन लोग आए उतर के और वो आन के गोली मार के और भाग गए। कौन लोग थे? डाटा लगा हुआ था, भूरा था और कल्लू था, और भूरा का दोस्त जो है शाहनवाज। किस बात को लेकर गोली मारा आपको? ये मेरी घरवाली के चक्कर में वो रुक हुई है, अब मैं उन्हें बुलाने जाता हूँ ना तो ये लोग हाथापाई करते हैं। मैं एक दफ़े इन्होंने बंद भी करा दिया। मियाँ बीवी का झगड़ा था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, एक चांटा मारा था खाली, इससे ज़्यादा कोई झगड़ा नहीं करा। ना मैंने किसी को गाली बकी, ना किसी चीख के बोला, कोई बात नहीं थी। मैं फिर भी बंद करा दिया। मेरी एक नहीं दस ही रिपोर्ट लगा रखी इन्होंने, दसरा चौकी में, SSP के यहाँ पर, हर किसी के यहाँ पर लगा रखी इन्होंने। ये कह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपये कैश मांग रही है। मैं क्यों मांगने लगा? मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ हर चीज़ आएगी तो मैं क्यों किसी से कुछ मांगूंगा? मैंने कहा मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो खाली मेरे बीवी बच्चे चाहिए। तो मेरे बीवी बच्चों को उन लोगों ने रोक रखा है, कह रहे हैं अपनी बहन से कि बाजी यहीं पे बैठो, हम तुम्हें ज़िंदगी भर खिलाएंगे। बाप भी उनके यही कह रहे हैं कि यहीं पे बैठ बैठा हम तुझे ज़िंदगी भर खिलाएंगे। वो भेजने को राजी नहीं है, उसे इतना पढ़ा रखा है, 30 के ऊपर पढ़ाई कर दी है कि वो बस यही कहती कि मुझे आना नहीं है, और कोई बात नहीं कहती। कहती है मुझे इनके संग नहीं रहना, उससे इतनी पढ़ाई कर रही हूँ उसके ऊपर, मतलब पढ़ाई चल रही है, मना कर रही है, और मेरी एक मिनट को बात नहीं कराती, एक मिनट को बात करा दे कोई भी। पढ़ाई करने का मतलब क्या, जादू टोना हो रहा है? हाँ, जादू टोनी तो है, जादू टोना। कोई बात हुई थी आपकी? नहीं, पहले वही वाली बात थी, वो 9वें महीने में 29 तारीख को घर पे झगड़ा हो गया था, तो ये बुला के ले गया था भूरा, ये साला जो हमारा, वो कह रहा था भाई मैं ले जा रहा हूँ, शाम को छोड़ जाऊँगा कि कल छोड़ जाऊँगा। आज तक न कल हुई है न शाम हुई, 53 दिन हो गए। आज किस बात को लेकर गोली मारा? आज तो कोई बात ही नहीं थी, मैं तो अपने आया था, बिस्तर कर लिया था, मैं अलीगढ़ से आया हुआ था, देखो मेरे पास टिकटें भी हैंगी जी, मेरे पास टिकटें भी हैंगी अलीगढ़ की आई हुई, अभी 4 बजे करीब उतरा हूँ मैं रोडवेज से, और बस यहाँ पे आया मैं, नहाया धोया, कपड़े पहने, नमाज पढ़ने भी गया था, और वहाँ से लौट के आया। मैंने खाना, अपने दोस्त आए थे, मैंने खाना खिलवाया, उन्हें खाना आया, और खाना खा के वो चले गए। अब बस जैसे बिस्तर करने को हुआ वैसे ऊपर से उतर के आए, और डांटा लगा हुआ मुँह पर, गोली मारी। मैंने कहा अभी कौन है, मैं पेजा मैं देख रहा हूँ ना, तो दिख नहीं रहे, ऊपर चढ़ने कह रहे उस्ताद चढ़ो उस्ताद, तो बस मैंने कहा हाँ ये दोनों तीनों वही हैं। कितने लोग होंगे? 3 जने। ये नाजिम है निवासी कटघर, इन्होंने बताया कि इनको गोली लगी है। इन्होंने बताया है कि इनका इनकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, और ये पिछले 2 महीने से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। इन्होंने इनकी पत्नी के परिवार पक्ष पर आरोप लगाया है। डॉक्टर्स ने बताया है कि ये पूर्ण रूप से स्टेबल है तथा नॉर्मल है। प्रथम दृष्टया ये घटनाक्रम संदिग्ध प्रतीत होता है। ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आगे की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।